ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग वीबीओ और केबीओ का डिफरेंस पढ़े थे। बच्चे लोग आज के उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पेज नंबर 3 स्टडी मैक का पेज नंबर 3 निकाल लीजिए। आज मैं आपको वीबीओ सर्विसेज के बारे में पढ़ाऊंगा कि वीबीओ सर्विस कैसा कैसा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वीबीओ में दो तरह के सर्विस बेसिकली दिए जाते हैं। एक होता है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग सर्विस, एक होता है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग सर्विस। बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग सर्विस का मतलब क्या होता है, जब आप बैक ऑफिस का काम आउटसोर्स करते हो इसे बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग कहते हैं, और जब आप फ्रंट ऑफिस का काम आउटसोर्स करते हो इसे फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग कहते हैं। अभी आप पूछोगे कि भाई बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में क्या क्या काम आता है, तो माय डियर स्टूडेंट, बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में क्वालिटी अश्योरेंस आता है, डेटा एंट्री आता है, डेटा मैनेजमेंट आता है, अकाउंटिंग सपोर्ट आता है, पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम आता है, ये सारे बैक ऑफिस के काम होते हैं, मतलब ऑफिस के बैक में ही सब काम होता है। और माय डियर स्टूडेंट, फ्रंट ऑफिस मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट फ्रंट ऑफिस मतलब कस्टमर सपोर्ट सर्विस, इसको फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग सर्विस कैन इंक्लूड क्वालिटी अश्योरेंस, डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सपोर्ट, पेमेंट प्रोसेसिंग एंड सर्विस। एंड फ्रंट ऑफिस में क्या क्या आता है, इट कैन इंक्लूड फैक्स सर्विस, ईमेल, फोन, कन्वर्सेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। कंपनीज विल टिपिकली आउटसोर्स बीपीओ फ्रंट ऑफिस सर्विस इन कस्टमर सपोर्ट सर्विस, इनबाउंड एंड आउटबाउंड सेल्स, मार्केट रिसर्च, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। माय डियर स्टूडेंट, ज्यादातर कंपनियां फ्रंट ऑफिस सर्विसेज को आउटसोर्स करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बीपीओ क्या क्या सर्विसेज आउटसोर्स होते हैं, इसमें दो, एक है बैक ऑफिस, एक है फ्रंट ऑफिस। बैक ऑफिस मतलब ऑफिस के बैक में जो काम होता है, फ्रंट ऑफिस मतलब ऑफिस के फ्रंट से जो काम होता है, ऑफिस के सामने में जो काम होता है वो फ्रंट ऑफिस है। और बैक साइड काम जैसे कि आपका डेटा एंट्री, जैसे कि आपका क्वालिटी अश्योरेंस, जैसे कि आपका डेटा मैनेजमेंट, जैसे कि अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाना, ये सारा बैक ऑफिस का काम है। अभी देखो भाई, बीपीओ सॉल्यूशंस तीन टाइप के होते हैं। बीपीओ में आपको तीन तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक है ऑनशोर, एक है नियरशोर और एक है ऑफशोर। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनशोर का मतलब क्या होता है, ऑनशोर का मतलब होता है जब बीपीओ का काम अपने कंट्री के अंदर हो इसको ऑनशोर बोलेंगे, जब बीपीओ का काम अपने आसपास के कंट्रीज में हो इसको नियरशोर बोलेंगे, और जब बीपीओ का काम अपने कंट्री के बाहर हो इसको ऑफशोर बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बीपीओ सॉल्यूशंस में तीन कैटेगरी है, एक है ऑनशोर, एक है नियरशोर और एक है ऑफशोर। माय डियर स्टूडेंट, ऑनशोर क्या होता है, ऑनशोर होता है डोमेस्टिक, जो देश के अंदर होगा उसको ऑनशोर बोलेंगे, जो देश के पास पास के कंट्री में होगा, मतलब जैसे चाइना पड़ोसी है हम लोग का, पाकिस्तान पड़ोसी है हम लोग का, बांग्लादेश पड़ोसी है हम लोग का, इन लोगों से जो काम होगा ना बाबू, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नियर शोर। क्या बोलेंगे, नियर शोर। और एक होता है ऑफशोर। तो भाई तीन तरह का सॉल्यूशन यहां पे है, ऑनशोर, ऑफशोर, नियर शोर। ऑनशोर मतलब डोमेस्टिक, नियर शोर मतलब आसपास के कंट्रीज में, और ऑफशोर मतलब दूर की कंट्रीज में, विदेशी देश लोग, अंग्रेज लोग एकदम हो गए यहां पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑनशोर आउटसोर्सिंग इज कॉल्ड डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग, is the obtaining of service from someone outside a company but within the same country, इसी कंट्री में, लेकिन कंट्री देखिए कंपनी के अंदर, देखिए आउटसाइड द कंपनी लेकिन विदिन द कंट्री, हमारे देश के अंदर जब आप सर्विस दोगे ना, देश के अंदर ही जब आप बीपीओ अपना सर्विस आउटसोर्स करोगे ना, ये हो जाएगा ऑनशोर। नियर शोर मतलब आसपास के कंट्री, जैसे कि चाइना, जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि पाकिस्तान। देख क्या होगा, नियर शोर आउटसोर्सिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग वर्क डन और सर्विस परफॉर्म बाय द पीपल ऑन नियरिंग कंट्रीज रादर देन इन योर ओन कंट्रीज। एंड लास्ट है ऑफशोर। ऑफशोर आउटसोर्सिंग इज अ टिपिकल बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इज द एक्सपोर्टिंग ऑफ आईटी रिलेटेड वर्क फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर डेवलप कंट्रीज टू एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज अ बोथ प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी एंड लोअर लेबर कॉस्ट फॉर टैक्स सेविंग्स। तो माय डियर स्टूडेंट, बीपीओ का सॉल्यूशन तीन तरह का होता है। जब आप बीपीओ में काम करने के लिए जाओगे तो दीज आर द थ्री वर्ड्स दैट यू वुड कम टू एनकाउंटर। The three words are onshore outsourcing, near shore outsourcing and offshore outsourcing. Onshore मतलब होता है domestic, near shore मतलब होता है देश के आगे आसपास का, देश के आसपास के countries में, और offshore का मतलब होता है देश के बाहर के countries में। There are three BPO solutions. अभी देखो भाई, BPO करते क्यों? सवाल ये कि why do we perform business process outsourcing? My dear student, business process outsourcing हम लोग करते क्यों? तो बच्चे लोग यहाँ सुनिए, बीपीओ का क्या फायदा है। बीपीओ का पहला फायदा है कॉस्ट रिडक्शन। जब आप बीपीओ सर्विस दोगे, जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए मेरा 5 काम है, आपको मुझसे पढ़ाई थी। बीपीओ में हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस का नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब जो काम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो काम बिजनेस का है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
जो काम बिजनेस का है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं, जो काम बिजनेस का है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं बीपीओ। तो बिजनेस का एक्टिविटी है बट दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आउटसोर्सिंग का फायदा क्या है? आउटसोर्सिंग याद रखिएगा हमेशा नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज का होता है, क्योंकि अगर मैं कोचिंग पढ़ाता हूं तो मैं अपना कोचिंग पढ़ाने का काम किसी को नहीं दूंगा, लेकिन हाँ टाइपिंग का काम किसी को दूंगा, प्रिंटिंग का काम किसी को दूंगा, क्योंकि वो मेरा नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज हो गया। माय डियर स्टूडेंट, जो प्राइमरी एक्टिविटी होता है ना दैट इज नेवर आउटसोर्स। तो हम लोग एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपना नॉन प्राइमरी एक्टिविटी को दूसरे लोगों को आउटसोर्स करके अपना कॉस्ट को रिड्यूस करता है, अपना खर्चा को बचाने का कोशिश करता है। देखिए कॉस्ट रिडक्शन। दूसरा, फोकस ऑन योर बिजनेस, फोकस ऑन योर बिजनेस। अगर देखिए अभी मैं अगर टाइपिंग का काम भी खुद करूं, अभी मैं अगर प्रिंटिंग का काम भी खुद करूं, और अगर मैं मान लीजिए पढ़ाने का काम भी खुद करूं, तो मेरा मेन काम क्या है? टीचिंग। तो ये काम मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक आदमी जब बीपीओ करता है, एक आदमी जब अपना बिजनेस प्रोसेस किसी और को देता है, तो वो आदमी का पर्पस होता है दैट ही वांट्स टू फोकस ऑन हिज ओन बिजनेस। आप कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज वाले लोग क्या करते, स्टूडेंट लोग को बोलते हैं कि भाई फीस बैंक में जमा कर दीजिए, मतलब कॉलेज वाला अपना जो बिना मतलब का काम है, जो साइड का काम है, वो किसी और को दे दिया, बैंक वाला को दे दिया, भाई तुम संभालो। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप बीपीओ करते हो ना, तो आपका पर्पस होता है अपना मेन बिजनेस पे फोकस करना। तीसरा है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। जब हम मेन बिजनेस पे फोकस करेंगे, जब मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, और जब मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगा। उसके बाद है एक्सेस टू स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, बीपीओ का फायदा क्या है? बीपीओ का फायदा यह है कि अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जगहों पर वी कैन एक्सेस एंड वी कैन एंजॉय द रिसोर्सेज, वी कैन एंजॉय द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है एबिलिटी टू रीअसाइन रिसोर्स। बीपीओ मतलब क्या? अपना काम किसी और को देना, अपना रिसोर्स किसी और को देना। तो बीपीओ आपको एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है थ्रू विच यू रीअसाइन, यू गिव योर ओन सर्विस टू समवन एल्स। ठीक है बाबू, ये था हम लोग का बीपीओ के बारे में। ठीक है, ये हम लोग के बीपीओ के बारे में पूरा बात कंप्लीट हो गया। बीपीओ क्या होता है, बीपीओ कितने टाइप के होते हैं, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, बीपीओ सॉल्यूशंस कैसा कैसा होता है, ऑन सोर, ऑफ सोर, फिर आपका नियर सोर, ये सारा हम लोग पढ़े। बीपीओ का एडवांटेज क्या है, कॉस्ट रिडक्शन होगा, हम फोकस कर पाएंगे काम पे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, मेरा टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएंगे, और रिसोर्स मैं दूसरे को असाइन कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे बीपीओ के एडवांटेज थे, ये सारे बीपीओ के बेनिफिट थे। तो मैंने आपको उस दिन बीपीओ केपीओ का डिफरेंस पढ़ाया था, आज मैंने बीपीओ के कुछ डिटेल्स फैक्ट आपको पढ़ाए हैं, अभी मैं आपको टीपीएस पढ़ाऊंगा और एम, देखिए टीपीएस पढ़ाऊंगा और एमआईएस तक आपको पढ़ाऊंगा। टीपीएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट, प्रोसेसिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो जब बिजनेस के डेटा को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग टीपीएस बोलते हैं। टीपीएस पूछेगा, टीपीएस स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। देखिए क्या लिखा हुआ, अ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द कलेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड रिट्रीवल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन डेटा। डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसको कैसे रिट्रीव करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, रिट्रीव मतलब रिकवर करना। आप व्हाट्सएप पे कर देते हो ना डिलीट फॉर एवरीवन, तो आपको क्या रहता है, डिलीट फॉर एवरीवन डिलीट हो गया। माय डियर स्टूडेंट, वो आपके लिए डिलीट हो गया, वो हमारे लिए डिलीट हो गया, बट दैट कैन बी रिकवर्ड आल्सो, इसको बोलते हैं रिट्रीवल। डिलीटेड डेटा को जब आप रिकवर करते हैं उसको बोलते हैं रिट्रीवल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीपीएस इंक्लूड परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। टीपीएस में क्या क्या होता है, वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, रिलायबिलिटी को इंप्रूव करता है, और कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करता है। TPS is also known as transaction processing or real time processing. TPS को हम transaction processing भी बोलते हैं और real time processing भी बोलते हैं। अभी आइए last time management information system. My dear student, ये भी एक software है। अलग अलग software के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, अलग अलग system के बारे में पढ़ा रहे हैं जो management में use होता है। MIS का full form है management information system. It is the use of information technology by the different high level managers for decision making. डिसीजन लेने के लिए जो बड़े बड़े मैनेजर्स लोग इसको यूज सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसको हम लोग MIS बोलते हैं। तो बड़े बड़े मैनेजर लोग कैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, देखिए
MIS is the use of information technology, people, business process to record, store, process data to produce information that decision maker can use to make day-to-day decision. अपना day-to-day decision को लेने के लिए जो बड़े-बड़े manager लोग software use करते हैं data collect करने के लिए, data modify करने के लिए, data retrieve करने के लिए, इसको MIS बोलते हैं. तो TPS, MIS ये सब अलग-अलग software है. अभी देखो, MIS is the acronym for Management Information System. In nutshell, MIS is the collection of system, हार्डवेयर, प्रोसीजर एंड पीपल. मतलब MIS करने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन कौन आते हैं, उसमें सिस्टम आता है, हार्डवेयर आता है, प्रोसीजर आता है, लोग आते हैं, दैट ऑल वर्क टुगेदर टू प्रोसेस, स्टोर, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन यूजफुल है, वो सारा इंफॉर्मेशन को यूज करके जब लोग डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को हमें बोलते हैं MIS. क्या होता है वो? MIS. तो MIS में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पीपल होता है, प्रोसीजर होता है. ये सारे चीज मिला करके जो डिसीजन हम लोग लेते हैं उसको हम MIS बोलते हैं. देखिए क्या जरूरत है MIS का. डिसीजन मेकर नीड इंफॉर्मेशन टू मेक इफेक्टिव डिसीजन. अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको MIS चाहिए. दूसरा, MIS सिस्टम फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद इन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस के अंदर भी कम्युनिकेशन करने के लिए और बिजनेस के बाहर भी कम्युनिकेशन करने के लिए आपको MIS चाहिए. अभी MIS के कंपोनेंट पढ़ाएंगे ना, आप समझ जाओगे. MIS is also useful for keeping the record. And the last point, कुछ component, people, लोग, data, पढ़ाई थे, business procedure, business का process, hardware and software. Hardware, software का मतलब तो पहले ही पढ़ा दिया भाई. तो my dear student, what are the component of MIS? Business, data, people, procedure, hardware, software. ये सारे लोग मिला के MIS बनते हैं. तो जल्दी से बताइए भाई, BPO, KPO का difference पढ़ाया, BPO का टाइप पढ़ा दिए, BPO solutions पढ़ा दिए, BPO बता दिए, TPS का फुल फॉर्म बता दिए, MIS का फुल फॉर्म बता दिए, MIS के कंपोनेंट बता दिए. तो अभी आप इतना रीडिंग करिए, स्टडी मैट आप लोग में सभी के पास है, आप स्टडी मैट देखिए, बहुत खूबसूरत है, स्टडी मैट में भी रखे हूँ अपने पास. तो आप लोग प्लीज इसको रीडिंग करिए, रीडिंग करके खत्म करिए, फिर कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स.